अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेम ऑफ स्टेट चेन ऑफ अल्केन, यानी कि अल्केन यानी नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी है, कहाँ तक है और क्या है। हमने यहाँ पे क्या 1 से लेके 30 तक नंबर ऑफ कार्बन की चेन लेनी है और उसके नेमिंग बतानी है और साथ में इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन सही, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम हम क्या करेंगे, इसकी नेम के नेम कौन कौन से हैं, सही है। फिर इसके बाद थर्ड कॉलम हमारा क्या होगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं अल्केन के फॉर्मूला की बात करूँ, CnH2n+2 ये फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग हमारी क्या होगी, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सही है। अभी हम 10 तक करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम इसको 1 को क्या बोलते हैं, मीथेन। फिर उसके बाद 2 को इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और 10 वाले को क्या बोलेंगे, डीकेन, सही है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें, मीथेन में 1 कार्बन और हाइड्रोजन 4, इथेन में 2 कार्बन और हाइड्रोजन 6, सही है। प्रोपेन में 3 कार्बन, हाइड्रोजन 8, 4 कार्बन, 10, पेंटेन में 5 कार्बन, हाइड्रोजन 12, हेक्सेन में 6 कार्बन और हाइड्रोजन 14, और हेप्टेन में 7 कार्बन, हाइड्रोजन 16, ऑक्टेन में 8 कार्बन, हाइड्रोजन 18, नोनेन में 9 कार्बन और हाइड्रोजन 20, और डीकेन में 10 कार्बन और हाइड्रोजन 22, सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इनकी नेमिंग की बात करें, 1 को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, सही है। और नंबर ऑफ कार्बन जो, ये आपके पास फॉर्मूले मौजूद हैं। इस फॉर्मूले के तहत हम क्या करेंगे, ये आप हारे हो गए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं 11 to 20 तक। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास 11 को हम क्या कहते हैं, अनडिकेन। 12 को कहते हैं डू डिकेन। 13 को कहते हैं ट्राई डिकेन। 14 को कहते हैं टेट्राडिकेन और 15 को कहते हैं पेंटाडिकेन। 16 को कहते हैं हेक्साडिकेन। 17 को हेप्टाडिकेन। 18 को कहते हैं ऑक्टाडिकेन। 19 को कहते हैं नोनाडिकेन। 20 को कहते हैं आइकोसेन। सही है। अब यहां पर हमारे पास
11 कार्बन अगर हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24, सही है, 11 कार्बन और उसके हाइड्रोजन 24, 12 का हो जाएगा 26, 13 का हो जाएंगे हाइड्रोजन 28, 14 का 30, 15 का 32, 16 का 34, 17 का 17 का क्या हो जाएगा 36, 18 का 38, 19 का 40 और 20 का 42, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 11 अंडिकेन, 12 डूडिकेन, 13 ट्राइडिकेन, 14 टेट्राडिकेन, 15 पेंटाडिकेन, 16 हेक्साडिकेन, 17 हेप्टाडिकेन, 18 ऑक्टाडिकेन, 19 नोनाडिकेन और 20 को क्या बोलेंगे आइकोसेन। और यहाँ पे इसके ये फॉर्मूले मौजूद हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 21 से लेके 30 तक। ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट, ट्वेंटी नाइन और 30, सही। अब यहाँ पर जो 21 है वो हमारा क्या है, हमने यहाँ पे 20 को क्या बोला था आइकोसेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हेन आइकोसेन। हिन भी कह सकते हैं अन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया हिन को हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है बाबा डो कोसेन, फिर ट्राई कोसेन, टेट्रा कोसेन, पेंटा कोसेन, हेक्सा कोसेन, हेप्टा कोसेन, ऑक्टा कोसेन, नोना कोसेन, और इसको बोलेंगे 30 का मतलब ट्राई, सही है, ए कोन टेन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हम क्या बोलेंगे ट्राई ए कॉन्टेन, ए कॉन्टेन, सही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसके अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है 21 है तो ये 44 हो जाएंगे हाइड्रोजन, ये 22 है तो ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएंगे, ये 23 है तो ये आपके 48 हो जाएंगे, ये 24 है तो ये आपकी क्या हो जाएंगे 50 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये 25 है तो ये 52, 26, 54, 27, 56, 28, 58, 29 और ये क्या हो जाएगा 60 हो गए। और ये आपके पास अगर 30 कार्बन है तो आपके पास हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे 62, सही। तो यहाँ पर वैसे तो हमारे हो गए 130 तक काउंटिंग। अब अगर हमें आगे चलना होगा तो हम क्या करेंगे, यही हमारे पास क्या होगा ए कॉन्टेन, इसी पे हम चलते चले आएंगे आगे, यानी क्या है नहीं हैन ए कॉन्टेन, दो हैं कॉन्टेंट, ट्राई है ए कॉन्टेंट, ये चलता चलेगा। फिर आगे पास आ जाएगा टेट्रा ए कॉन्टेंट,
फिर वही आगे चलता चलेगा, फिर पेंटा अकाउंटेंट। तो यहाँ तक जो हमारी 1 से लेकर 30 तक अकाउंटिंग है, ये हमारी बहुत अहम होती है। आगे तो 100-200 तक चलती चली जाती है, तो हमें यहाँ तक अकाउंटिंग करनी सही है। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंटों को 10th तक नहीं आती, बहुत मुश्किल होती है उनको समझ में, यानी कि मैट्रिक इंटर तक की 11th तक उनको ये नहीं पता होता कि 10th को क्या कहते हैं 9th को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को समझ में आए कि 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग को किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं, उनका फार्मूला क्या है, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।